आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। कौन सी ब्रोकरेजेस आई हैं आज सुबह कुछ रिजल्ट्स पे? कुछ रिजल्ट इससे पहले इनफैक्ट मक्षी हमारे साथ जुड़ेंगी जल्दी, लेकिन टाटा स्टील डिस्कस करना ज़रूरी है। टाटा स्टील का रिजल्ट आया, टाटा जो उम्मीद थी बाजार को उससे बेहतर आया, कमज़ोर की उम्मीद थी लेकिन कमज़ोरी में कमी है। और अगर हम टाटा स्टील के चार्ट को देखिए, ये देखिए ऑफकोर्स मुनाफे में मुनाफे का ही उम्मीद था लेकिन बढ़िया आया नंबर। रेटे साहब जरा लेके आइए चार्ट टाटा स्टील का, 105 110, 105 110 3-4 महीने से इसी रेंज में अटका हुआ है। क्या अब ये ब्रेकआउट के साइन दे सकता है? क्या इसके ऊपर ट्रेड बनता है? सुमित आप बताएंगे चेक करके। जी बिल्कुल, बोला जाता है कि प्रीवियस सपोर्ट विल एक्ट एज अ करंट रेजिस्टेंस। तो जो आपने बात बोली 110 का जो लेवल है, बिल्कुल वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था। कल के डेट में एक क्लोजिंग भी आई है, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे सिर्फ एक फर्स्ट 30 मिनट्स का वेट करूंगा। अगर यहाँ पे ये रेट कल का जो हाई है वो सस्टेन हो रहा है, बिल्कुल अपसाइड का एक मोमेंटम बन सकता है। आप देखेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी फॉर्मेशन हुआ है, बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। सो जस्ट वेट फॉर द लेवल टू क्रॉस यस्टरडेज हाई। जैसे ही क्रॉस होगा, पहला टारगेट बनेगा 117 का, दूसरा टारगेट बनेगा जो रिसेंट हमारा हाई बना था 124 का, और यहाँ पे एक आप छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं बिलो 105 लेवल। ओके, तो चलिए टाटा स्टील पर ये नजरिया आपको एक मिलता हुआ दिख रहा है। इस पर फंडामेंटल आउटलुक भी थोड़ी देर में जब हमारे साथ फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ेंगे उनसे समझेंगे। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको खबरों की तरफ लिए चलते हैं। ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट कहाँ पर है वो बताते हैं। वामाक्षी हमारे साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर, बताइए वामाक्षी, कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो आज ब्रोकरेजेस के रेडार पर हैं? जी बिल्कुल, अच्छे नतीजों बाद हम देख रहे हैं टाटा स्टील पर ब्रोकरेजेस आए हैं। जेपी मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट की राय आ रही है टारगेट प्राइस 150 के साथ, और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की राय आ रही है टारगेट प्राइस 110 के साथ। ब्रोकरेजेस का लार्जली कहना है कि मजबूत भारतीय कारोबार ने वीक यूरोपियन कारोबार को ऑफसेट किया है और इसी के चलते अनुमान से काफ़ी मजबूत नंबर्स पोस्ट किए हैं। स्टैंड अलोन ईबिटा हालांकि काफ़ी मजबूत रहा है दोनों रियलाइजेशन और लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट के चलते, डेट रिडक्शन भी पॉजिटिव है और इनफैक्ट स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है उनके Q4 नंबर्स से। तो अगर हम देखें तो ब्रोकरेज भी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं टाटा स्टील पर।